हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ऋचा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, मगरा पुंजला, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हम मुद्रा के कार्यों के संबंध में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण किया। मुद्रा के चार प्रकार के कार्य हमने पढ़े, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटिंजेंट फंक्शंस और अदर फंक्शंस। प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस जो हैं उनको द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य दोनों ही कहा जाता है। तो प्राथमिक कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य, कंटिंजेंट फंक्शंस, आकस्मिक कार्य, अदर फंक्शंस, अन्य कार्य, ये वर्गीकरण हमने पढ़ा। उसके बाद एक और वर्गीकरण, कार्य तो वो ही हैं, बस उनको वर्गीकृत उनको क्लासिफाइड करने का तरीका अलग है। प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा मुद्रा के कार्यों का एक और वर्गीकरण दिया गया। उनके अनुसार मुद्रा के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, स्टैटिक फंक्शंस और डायनेमिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शंस स्थैतिक कार्य और डायनेमिक फंक्शंस प्रावैगिक कार्य। कार्य तो इनमें, यदि हम आगे देखें तो इन दोनों ही कार्यों में, जैसे स्टैटिक फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर फॉर वैल्यू, बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फंक्शंस तो मुद्रा की वो ही है। उनको वर्गीकृत करने का तरीका प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा जो दिया गया वो वर्गीकरण ही अलग था, बाकी मुद्रा के कार्य तो वो ही हैं जो हमने पहले पढ़े। अब इसमें है कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य या स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। स्थैतिक कार्य वे कार्य होते हैं जो कि मुद्रा अपने जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, जब से मुद्रा प्रचलन में आई, उसी समय से मुद्रा इन कार्यों को करती आ रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा के जो परंपरागत कार्य हैं, जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं मुद्रा के, उन्हें ही स्थैतिक कार्य कहा जाता है। स्थैतिक कार्यों में मुख्यतः जो कार्य आते हैं वो हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है या मुद्रा का हमने जो आविष्कार किया वो किसके कारण किया है, किस समस्या को दूर करने के लिए किया गया, विनिमय की समस्या। वस्तु विनिमय जो था हम करते थे, बार्टर सिस्टम जो प्रचलित था, उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स हमने फेस की उनको दूर करने के लिए ही हमने मुद्रा का आविष्कार किया। तो विनिमय का माध्यम, मुद्रा का प्रयोग क्रय विक्रय के लिए आसानी से किया जा सकता है या मुद्रा क्रय विक्रय में आसानी से काम में ली जा सकती है, यही मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है और विनिमय के कार्य को सरल और आसान बनाती है। दूसरा जो स्थैतिक कार्य है मुद्रा का वो है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य मापक। यह हमने पढ़ा था कि मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, या हम कह सकते हैं कि मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के और सेवाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब हम वस्तु सेवा का मूल्यांकन करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे, तभी हम उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम तभी संभव है जब मूल्य का मापक का कार्य किया जाए, और वो कार्य भी, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का कार्य भी मुद्रा के माध्यम से आसानी से किया जाता है और सही रूप में किया जाता है। हालाँकि मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्रा का मूल्य हमेशा स्थिर रहता है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं पर वो इतने अधिक नहीं होते। फिर भी अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा मुद्रा के मूल्य को स्थिर, मतलब ये माना जाता है कि मुद्रा के मूल्य में इतने अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए मुद्रा को मूल्य के मापक के रूप में काम में लिया जाता है। इसके